आंगनवाड़ी वर्कर जो है को जो है पक्का किया जाए और प्री प्राइमरी की कक्षाएं भी आंगनवाड़ी में ही होनी चाहिए। और हमारी सरकार से मांग है कि मिड डे मील वर्करों के लिए 10,300 का वेतन और 350 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए। इस अगर अब हम बात करें मिड डे मील वर्कर की तो 20 वर्ष जो है शुरुआत हो चुकी है हिमाचल प्रदेश में भी मिड डे मील वर्करों की, लेकिन अभी तक जो सरकार जो है मिड डे मील वर्करों को वेतन दे रही है, केंद्र की सरकार मात्र जो है 1,000 रुपए का वेतन जो है मिड डे मील वर्करों को दे रही है, और राज्य की वेतन की अगर बात करें तो टोटल जो है 3500 रुपए जो है आज की महंगाई में जो है मिड डे मील वर्करों को वेतन दिया जा रहा है, जो कि इस महंगाई के दौर में नाकाफी है। और मिड डे मील वर्करों को ना तो छुट्टियों का प्रावधान है, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो है अदर मतलब राज्यों के अकॉर्डिंग जो है यहाँ की परिस्थितियां जो है डिफरेंट है। यहाँ पर जो है प्रत्येक स्कूलों में 26 बच्चों की शर्त तो मतलब पूरी नहीं हो सकती है, और इसलिए जो है छंटनी प्रक्रिया में जब शुरुआत हुई थी तो मिड डे मील वर्कर हिमाचल प्रदेश में 27,740 जो है शुरुआती दौर पे काम करता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति की अगर बात करें तो आज 21,030 वर्कर जो है वर्कर छंटनी के तौर पर जो है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है। इसके साथ साथ मिड डे मील वर्करों को छुट्टियों का कोई प्रावधान नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से जो है आंगनवाड़ी को जो है कम से कम 20 जो है एक वर्ष में छुट्टियां दी जाती है, मिड डे मील वर्करों के लिए भी वह छुट्टियां लागू होनी चाहिए। और हमारी सरकार से मांग है कि मिड डे मील वर्करों के लिए 10,300 का वेतन और 350 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर की बात की जाए तो 2 अक्टूबर 1975 को जो है हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी स्कीम भी लागू हुई थी। 48 वर्षों के बावजूद भी आज सरकार उन वर्करों को नियमित वर्कर का दर्जा न देकर जड़ से इसे समाप्त करने की बात कर रही है। अभी पिछले 2 साल पूर्व कभी जो पैंडेमिक का जो दौरान था जो समय था उस दौरान जो है सरकार ने बैकडोर से जो है आंगनवाड़ी जो सेंटर थे कुछ एक सेंटरों को जो है हिमाचल प्रदेश में जो है प्राइवेट हाथों में देने की शुरुआत कर दी है, और नंदघर के कवायद से जो है उसे शुरू किया जा रहा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर जो है को जो है पक्का किया जाए और प्री प्राइमरी की कक्षाएं भी आंगनवाड़ी में ही होनी चाहिए। इसके साथ साथ पोषण ट्रैकर ऐप जो बहुत ही कठिनाई का सामना वर्करों को करना पड़ रहा है, इसके माध्यम से प्रत्येक स्कूलों में पोषण ट्रैकर एक्ट के लिए जो है सभी केंद्रों में जो है उसका सिग्नल नहीं होता है, वर्करों को उस पे जो है काम करने की बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम आशा वर्कर की बात करें तो 2013 से जो है पूरे देश में जो है आशा वर्कर पिछले काफी वर्षों से जो है काम कर रहा है। 16,000 आशा वर्कर जो है हिमाचल प्रदेश में कार्यरत है। आशा वर्कर यदि किसी भी चीज का निरीक्षण करें, यदि माने तो अगर नमक का निरीक्षण उन्होंने अगर 50 घरों में करना है तो 2 रुपए के हिसाब से जो है उन्हें जो है उसका जो है वेतन दिया जाता है सरकार की तरफ से। कितने शर्म की बात है, आशा वर्कर ने किस कठिन परिस्थिति में पैंडेमिक के दौरान जब वर्कर कोई भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलता था, आशा वर्कर ने जो है पूरी तरह से जो है लोगों की जितनी सहायता हो सकती थी हर संभव कोशिश की है। आज कोरोना वॉरियर का दर्जा भी सरकार ने उन्हें देने की बात कही, मतलब सरकार की तरफ से मिला भी, लेकिन सरकार ने जो उनके साथ वादे किए थे वो अभी जो है उस वादे से जो है सरकार मुकर रही है। इसलिए हमारा आज की इस डेपुटेशन के माध्यम से जो है सरकार से कहना है कि यदि समय रहते स्कीम वर्करों की मांगों को नहीं माना गया तो आगे आने वाले जो 5 अप्रैल है 2023 में जो है लाखों स्कीम वर्कर भी जो है दिल्ली में महापड़ाव के रूप में वहां पर जो है आंदोलन की रूपरेखा के लिए तैयार रहेगा। धन्यवाद। कोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है, जिसके लिए अनुभवी व फ्रेशर्स सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें या अपना बायोडाटा ईमेल करें HR@goelmotors.com पर।